अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनुस, और आज जो क्लास में आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है टेक्स्ट में और भी क्या इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं वो मैं सिखाऊंगा इस क्लास में। तो ये चीज़ मैंने आपको बनाना सिखानी है कि टेक्स्ट में कैसे कैसे इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। उसके साथ साथ अगर आप न्यू यूजर्स हैं और बिगनर्स हैं इलस्ट्रेटर के, तो आपको कहूँगा ये मेरी क्लासेस देखें जो मैंने डिटेल्स में टूल सिखाए हैं, और ये प्लेलिस्ट अपलोड की है और ये प्रैक्टिकल्स की मेरी प्लेलिस्ट है। चलिए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, TXT, ओके, और इसको बड़ा कर देता हूँ साइज को, और इसको जो है ना एरियल दे देता हूँ। मेरी मर्जी है कि जो है ना कि मैं जो मर्जी टेक्स्ट के, आप भी अपनी मर्जी से जो भी आपका दिल करे उस टेक्स्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्ज करिए मैंने टेक्स्ट ले लिया और इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा जस्ट और क्रिएट आउटलाइन कर दूँगा। जब क्रिएट आउटलाइन करूँगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे सब। तो अब मैंने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देना। जब ये अनग्रुप हो जाएगा फिर उसके बाद मैंने लाइन टूल पकड़ लेना है और कंट्रोल वाई प्रेस कर देना है एज ए आउटलाइन इसकी देखने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले सिखाया था कि कंट्रोल वाई आप प्रेस करेंगे तो आपको आउटलाइन आ जाएगी, फिर कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो जिस तरह आम रूटीन में चीज आती है उस तरह आ जाएगी। कंट्रोल वाई मैं प्रेस करता हूँ और एक आर्क इस जगह से लगा लेता हूँ, फिर इसको सेम टू सेम इस आर्क को कॉपी करके आर्ट प्रेस करके एक कॉपी इधर ले लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं क्लाइंट ले लेता हूँ और इसको सिलेक्शन करके शिफ्ट प्रेस करके नीचे ले जाता हूँ और इसको लिटिल बिट इस तरह मूवमेंट कर देता हूँ। उसके बाद शिफ्ट पर प्रेस करके इस लाइन लगा लेता हूँ, इसको लिटिल बिट अप कर लेता हूँ। तो ये लाइंस मैंने लगा ली है। क्यों लाइंस लगाई, कि मैं जो है ना इसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ। कैसे कन्वर्ट करूँगा, जैसा कि मैंने आपको एक टूल सिखाया था। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुआ है तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप उस टूल पर जाके सीख सकते हैं। ये मैंने टूल आपको सिखाया था, शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल क्या करेगा, ओवरऑल सिलेक्शन आपने कर लेनी है, इसको क्लिक कर लेना, इसको इसको और इसको, ये अलग अलग शेप्स आपके बना दे। अगर आप क्लिक करना चाहें तो ये देख सकते हैं आप, अलग अलग शेप्स इनकी बन गई है। तो आप क्या करेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं हमारी उसको डिलीट कर देंगे, तो प्रेस डिलीट और लाइंस डिलीट हो जाएंगी, डिलीट कर देंगे और डिलीट कर देंगे। तो ये अलग अलग हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि यार हम लोगों ने जस्ट इसको प्रेस करना है, इस साइड वाली को प्रेस करना है, इसको प्रेस करना है और इसको प्रेस करके कंट्रोल जी कर लेना है, ओके। नेक्स्ट जो ऊपर वाले हैं, इसके जो हमने अलग अलग किए हैं किस हिसाब से हमने उनको टेक्स्ट इफेक्ट देना है, वो उस हिसाब से हम कंट्रोल जी कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कंट्रोल जी से एक अलग हो गया और ये चीज अलग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करके ब्लैक कलर, ये ऑलरेडी है, कंट्रोल वाई मैं करूंगा तो ये मेरे पास कलर खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है ना स्वेचेस पे जाऊंगा, स्वेचेस ये आपके सामने आ रहे हैं स्वेचेस। अगर ये चीज आपके सामने नहीं आ रही, आप विंडो में जाए और जस्ट इसको प्रेस करें स्वेचेस को और क्लिक करेंगे तो ये स्वेचेस आपके सामने आ जाएंगे। स्वेचेस में जाके आपने क्या करना है, ये लेफ्ट साइड वाले टूल में जाना है। लेफ्ट साइड टूल में आप जब चले जाएंगे तो आप लोगों ने जो पैटर्न्स में जाना है, पैटर्न्स में जाएंगे, ग्राफिक्स में जाएंगे और डॉट्स में चले जाएंगे। जब आप डॉट्स में से कोई भी डॉट्स क्लिक करेंगे तो डॉट्स इस चीज में फिलअप हो जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैं इनके और इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकता हूं। कैसे, जस्ट इसको मैं सिलेक्ट करके आर्ट प्रेस करके कॉपी ले लेता हूं, डिफरेंट कॉपीज ले लेता हूं ताकि मैं हर एक पे इफेक्ट थोड़ा बहुत अप्लाई करके दिखाऊँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया जस्ट,
और इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो ये इफेक्ट भी इसमें दे सकता हूँ, ये इफेक्ट मैंने दे दिया। इसमें जस्ट सिलेक्शन करके नेक्स्ट करते हैं। अब लाइंस में दिखाता हूँ क्या इफेक्ट दे सकते हैं। ये देखिए लाइंस में इफेक्ट आ गया सामने। फिर उसके बाद ये वाले लाइंस का भी इफेक्ट दे सकते हैं। इसके हर एक का दो दो में इफेक्ट आपको देगा। फिर इसको नेक्स्ट आप करेंगे तो ये इफेक्ट्स पैटर्न्स भी हैं आपके पास। इसको भी अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, इस पर चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं और इस पर एक और इफेक्ट दे देते हैं ये। तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़, तो नेक्स्ट मैंने क्या किया था, मैंने एक बैकग्राउंड ले आया था। बैकग्राउंड में ले आता हूँ गूगल से जस्ट, और उसको इधर प्लेस करके इसकी बैक साइड पे। और उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट इनको ओवरऑल सिलेक्शन कर लेना है। पहले इसको मैं लॉक कर लेता हूँ और इसको ओवरऑल सिलेक्ट करके मैं इस पे स्टाइलाइज पे जाके ड्रॉप शेडो दे देता हूँ। ड्रॉप शेडो दे दूंगा, अगर मेरी मर्जी है ड्रॉप शेडो देना तो ओके, अदरवाइज ड्रॉप शेडो जो है ना आपकी प्रिंट में इतना मजा नहीं करेगी। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इफेक्ट मैंने अप्लाई करके दिखाया आपको। टेक्स्ट पे और भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे सकते हैं। अगर ये आप चाह रहे हैं कि इस टेक्स्ट की जो इसकी जो मूवमेंट है, ये पैटर्न्स वाली मूवमेंट है, इसको अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। वो कैसे आप चेंज करेंगे, आप जाएंगे डायरेक्ट अपीयरेंस पे जाएंगे। अपीयरेंस पे जाके तो ये थी स्मॉल सी क्लास। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपने हमारे अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हिट करें लाइक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसी तरह क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाता रहूँगा और तमाम सॉफ्टवेयर आपको सिखाता रहूँगा डिटेल में। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।